उत्तराखंड में पहले चरण में हुए मतदान के बाद जहां राजनीतिक पार्टियां घोड़ा भाग रही हैं, वहीं चुनाव लड़े प्रत्याशी भी अब आराम फरमा रहे हैं। बता दें कि मतदान संपन्न होने के बाद चुनाव लड़े प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दावा करते हुए कहा कि भले ही मतदान प्रतिशत कम रहा हो, लेकिन लोगों का पूरा रुझान भाजपा के प्रति रहा है और भाजपा केवल नैनीताल ही नहीं बल्कि सभी लोकसभा सीटों पर भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूरा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, कमल के फूल की तरफ है। प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है, गर्मी के दिन है, इससे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें भी जो प्रतिशत है वो भाजपा का ही है और कहीं पर भी बहुमत में कमी नहीं है। भारी बहुमत से हमारी सभी सीटें आ रही हैं।